Let's see another example. ये इसमें अब वो इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है. ए लिमिटेड परचेज 25% शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड. हमने लेस देन 20% की बात कर ली थी, तो अब ये है कि 20 से ज़्यादा और 50 से कम अगर आप किसी कंपनी के शेयर ख़रीदते हैं तो इक्विटी मेथड कैसे यूज़ होता है. एक्स लिमिटेड ₹10,000 के आपने शेयर ख़रीदे और एक्स लिमिटेड इनकम फॉर दैट ईयर यानी 1 जनवरी को ख़रीदे और 2020 के एंड पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई 400,000 और फेयर वैल्यू 31 दिसंबर को इसकी हुई है 12,000 एंड कंपनी एक्स पेड डिविडेंड ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2020. अब देखें इसमें क्या है कि कंपनी आपके पास 25% शेयर हैं तो आपका एक इन्फ्लुएंस तो है लेकिन आप कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है. 25% इज़ अ लॉट ऑफ मनी, इसीलिए ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है एक एसोसिएट कंपनी में. तो एसोसिएट कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट हो तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? दो तरीके हैं जी, फेयर वैल्यू पर और इक्विटी मेथड में. तो फेयर वैल्यू को पहले कंप्लीट करते हैं फिर इक्विटी में जाएंगे. आपने परचेज किया तो आपने इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट कर दिया और इनकम जो है आपकी 4,000 की ये आपने रिकॉर्ड नहीं करनी क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू की एंट्री है. तो फेयर वैल्यू में आप देखें ये 12,000 की हो जाती है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट. तो आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट करें और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को क्रेडिट करें. डिविडेंड जो रिसीव होगा उसकी एंट्री आप बनाएंगे और वो एंट्री जो है 5,00,000 पर 25% के हिसाब से वो 1,250 की इनकम आपको होगी. और इक्विटी मेथड में क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट तो वही है, इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000 की ही है और कैश जो आपने पे किया वो भी 10,000 ही है, लेकिन जो उसकी 4,000 की इनकम है फेयर वैल्यू में इसका हमें कोई एंट्री नहीं डालनी लेकिन इक्विटी मेथड में आपको एंट्री डालना पड़ेगी. इसका 25% आप इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट करें और इन्वेस्टमेंट इनकम यानी इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएं. इससे क्या होता है कि आपकी ये इनकम जो है रिकॉर्ड हो जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी. फाइनली जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो तो कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट्स, इस केस में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी, याद रखें. क्यों? कि आपने पहले ही प्रॉफिट का हिस्सा आपने अपने यहाँ ऐड ऑन कर लिया हुआ है. तो दिस इज़ बेसिकली हाउ ए इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी is going to be recorded. So it's not a difficult job, but make sure कि आप fair value में उसकी income को share नहीं करेंगे बल्कि उससे जो profit आएगा वो share होगा. लेकिन equity method में क्या है कि आपने जितना profit उसने साल में कमाया है उसका अपना जो portion, आपका जो portion बनता है 25%, वो आप उसमें record करें और जो income आएगी वो तो अलग से record होनी होनी है. So this is how this should be recorded. Thank you very much.